लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यह 29 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड को कितने रुपए दिए जाएंगे? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड को कितने रुपये दिए जाएंगे? तो ऑप्शन है 250 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 115.52 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 103.39 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 103.39 करोड़। चलिए डिटेल से जानते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 103.39 करोड़ रुपये प्रदान किए, साथ ही साथ राज्य में 2.5 लाख सखी मंडल हैं जिन्होंने कोरोना संकट में लड़ने के लिए दिन रात करके मास्क, सैनिटाइजर, एप्रोन, पीपीई किट आदि तैयार कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड को कितनी राशि नकदी सुविधा उपलब्ध कराएगी? रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड को कितनी राशि नकदी सुविधा उपलब्ध कराएगी? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। तो इसका राइट आंसर है 50,000। रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड को 50,000 राशि नकदी सुविधा उपलब्ध कराएगी। चलिए डिटेल से जानते हैं। बैंक की ओर से यह घोषणा फ्रैंकलिन टेम्पलेंटन म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी जो 6 बॉन्ड योजना है उन्हें कुछ दिन के लिए बंद कर रही है। बाज़ार को उतार चढ़ाव के कारण इस कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, इसलिए कुछ दिन के लिए कुछ बॉन्ड को बंद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में कितने कंटेनमेंट जोन है? रांची में कितने कंटेनमेंट जोन है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है डी 10। चलिए डिटेल से जानते हैं। रांची में 10 कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें हिंदपीढ़ी, हरमू, नेताजी नगर, डोरंडा, पिस्का मोड़, बेड़ो, इटकी, लोवाडी, चुटिया और बरियातू सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए किस टीम की गठित की गई है? अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए किस टीम की गठित की गई है? ऑप्शन ए कालाबाजारी स्क्वाड टीम, ऑप्शन बी फ्लाइंग स्क्वाड टीम, ऑप्शन सी फ्रॉड स्क्वाड टीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की गई है। चलिए थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए इस टीम को गठित किया गया है। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस आवासीय विद्यालय में एक ही दिन में पीटी और मेंस की परीक्षा ली जाएगी? झारखंड के किस आवासीय विद्यालय में एक ही दिन में पीटी और मेंस की परीक्षा ली जाएगी? ऑप्शन ए जेवियर कॉलेज, ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी नेतरहाट विद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है नेतरहाट विद्यालय। नेतरहाट विद्यालय में पीटी और मेंस की परीक्षा ली जाएगी। चलिए डिटेल से जानते हैं। नेतरहाट विद्यालय में नामांकन के लिए एक ही दिन में पीटी और मेंस की परीक्षा ली जाएगी और इस विद्यालय में छठी वर्ग में इस बार 0 सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना से निपटने के लिए सीसीएल ने कितने सुविधाएं उपलब्ध सुनिश्चित की है? कोरोना से निपटने के लिए सीसीएल ने कितने सुविधाएं उपलब्ध सुनिश्चित की हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है 4। चलिए डिटेल से जानते हैं। कोरोना से निपटने के लिए
फेशियल ने 4 सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। किसने? तो यह सीसीएल ने, सीसीएल ने 4 सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट, बेड, लाइफ सपोर्ट, एम्बुलेंस और 24 घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। और सीसीएल के सीएमडी कौन है? तो गोपाल सिंह ने यह जानकारी दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीआई ने झारखंड के वकीलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि दी जाएगी? बीसीआई ने झारखंड के वकीलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन है 10 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 45 लाख। तो इसका राइट आंसर है 45 लाख। चलिए डिटेल से जानते हैं। राम शुभंग सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शपथ दाखिल कर यह जानकारी दी। इसमें 84 वकीलों की मौत के बाद परिजनों को देने वाली 3 करोड़ रुपये इस सहायता राशि में इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? ऑप्शन है नमामि गंगे, ऑप्शन बी जल शक्ति अभियान, ऑप्शन सी डोभा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जल शक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। चलिए डिटेल से, केंद्र ने कहा कि मनरेगा योजनाओं के तहत जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। ये रहा आज तक या आज का सेशन। यदि आप लोगों को यह पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।